नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। राष्ट्रपति ने मोदी का इस्तीफा स्वीकार करते हुए उनसे कार्यवाहक पीएम बने रहने का अनुरोध किया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक ने नेता अपने बयानों से यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह भी नई सरकार के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नतीजों के अगले ही दिन यानी आज नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने बुधवार की दोपहर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। उन्होंने अपने साथ अपनी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अनुरोध किया कि वो नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहें।